वेलकम टू द शुभम ट्यूटोरियल चैनल। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स ऑफ मैथ्स ऑफ टू डिजिट नंबर एंड थ्री डिजिट नंबर। बहुत सारे लोगों को एग्जाम्स में बहुत प्रॉब्लम होती है टू डिजिट नंबर और थ्री डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए। आज हम बताएंगे आपको बहुत ही आसान तरीका, जिससे आप टेबल भी याद कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स भी अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पर कोई भी दो नंबर लेंगे। अब वैसे में तो हम इसे बहुत नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 6 5 जा 30, इधर हम लोग कैरी कर लेते हैं वन नंबर, 6 2 जा 12, 13 12 + 3 15, ये हम लोग का नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन आई एम शोइंग यू नाउ। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 विल कैरी हियर एंड 4 2 जा 8, 8 + 2 = 10। दिस इज आवर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन वॉट वी विल डू इन द एग्जाम एंड इन नॉर्मल डेज। वी हैव बहुत लंबी ट्रिक होती है। अब मैं आपको इजी ट्रिक सिखाऊंगी, देखते हैं। मैंने यहाँ पे दो नंबर लिया है, यहाँ पे 74 × 63 लिया है। तो पहले हम लोग इन दोनों को, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12। सो वील राइट दी, हम लोग यहाँ पे दो टू इधर लिखेंगे और वन विल कैरी हियर, देन विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, दिस विल दी कम लाइक दैट, 7 3 जा 21, कैरी वी हैव कैरी दी वन हियर एंड 6 4 जा 24, देन 24 + 21 प्लस वन दिस विल वी विल गॉट द 46 आंसर। देन 4 विल राइट हियर, 4 वी विल कैरी हियर, देन विल मल्टीप्लाई दिस, 7 6 जा 42, 42 + 4 = 46, देन विल राइट द हियर, वी हैव गॉट द आंसर। एंड दिस टू डिजिट नंबर मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो गॉट द टाई ट्रिक। What we have done, this was the process of our multiplication. So this it is become the tie. Now we'll take another number like 25 × 16. Now we'll multiply, 6 5 are 30, 0 will write here and 3 will carry above, then we'll cross multiply this. So 2 6 are 12, 1 5 is a 5, 3 will carry here, then we will plus these three numbers, 12 + 5 + 3, we will carry plus 5 + 3 करके हम लोग को आंसर आया 20। तो हम लोग 0 इधर लिखेंगे और 2 इधर कैरी करेंगे, फिर वी मल्टीप्लाई दिस, 2 1 जा 2 2 2 1 जा 2 2 + 2 4, we have got the answer 400. Like this we can solve the two digit number multiplication trick. This is our trick. I have given you the मैं तुम लोगों को आंसर, प्लीज़ हम लोगों को कमेंट करके लिख दीजिएगा। अब हम लोग थ्री डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखेंगे। यहाँ पर मैंने दो मल्टीप्लिकेशंस लिए हैं और ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक समझाने के लिए ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम लेंगे, पहले हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, फिर ये लास्ट नंबर यहाँ पर लिख देंगे और 2 इसका यहाँ पर हम लोग कैरी कर देंगे, फिर ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 5 जा 10, 1 5 जा 5, और फिर ये जो 2 है कैरी होगा इधर, तो ये तीनों नंबर को प्लस कर लेंगे, 10 + 5 = 15 एंड 15 + 2 = 17, 15 + 2 = 17, देन वी राइट, हम लोग यहाँ पर फिर 7 लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी होगा, फिर हम लोग ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5 1 जा 5, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10,
और जो वन हम लोग का इधर आया था वो इधर कैरी हो जाएगा। फिर ये चारों नंबर को हम लोग प्लस कर लेंगे तो प्लस करके आएगा हम लोग को 18। तो 18 का 8 हम लोग इधर लिख देंगे और 1 इधर कैरी हो जाएगा। फिर हम लोग ये फिर हम लोग ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर हम लोग जो 1 कैरी किया था वो आ जाएगा। फिर ये तीनों नंबर को प्लस कर लेंगे तो हम लोग को 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 6 लेंगे एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दूसरा नंबर नहीं है तो हम लोग कैरी नहीं करेंगे। फिर हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 ज़ा 3 एंड ये, और हम लोग को यहाँ पर हम लोग का आंसर मिल गया। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, हम लोग इसको 15 से 20 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। अब हम दूसरा सम देखते हैं, इसे मैं बहुत फास्टली करूँगी। एंड वी हैव गॉट द आंसर। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगी, प्लीज़ इसे करके हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स सीख गए तो आप कभी भी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स भूलेंगे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।